अगर आप किसी का स्पाइस मनी के NSDL अकाउंट खोले हैं, उसका आपको स्टेटस चेक करना है या उसके अकाउंट नंबर भूल गए हैं, अकाउंट नंबर उसको देना है कस्टमर को PDF बना के या कोई भी स्क्रीनशॉट करके देना है, तो उसके लिए सबसे पहले स्पाइस मनी आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है व्यू स्टेटस पे। व्यू स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा अभी ओपन हो रहा है। यहाँ व्यू स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए ओपन होने दे रहे हैं। व्यू स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे ऐसा पे इंटरफेस आएगा, व्यू स्टेटस इन इंस्टाग्राम, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर था, आपने अकाउंट खोलते समय जो मोबाइल नंबर डाले थे, यहाँ पे डाल देना है उसका। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे व्यू स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। व्यू स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए कस्टमर डिटेल्स, सॉरी यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स आ गया है। इसके बाद यहाँ देखिए CIF ID लिखा गया है कस्टमर का, कस्टमर का अकाउंट जो भी नाम है उनका लिखा है, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा गया है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है, अमाउंट कितना अकाउंट खोलते समय लगा था यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इसके बाद ब्रांच का नेम यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है और यहाँ पे IFC कोड कस्टमर को आपको देना है। तो यहाँ पे डाउनलोड कस्टमर रिसिप्ट पे क्लिक करके आप कस्टमर को दे सकते हैं उनका अकाउंट नंबर और IFC कोड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें।